हेलो स्टूडेंट्स, आप चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं जीव और समष्टियाँ के बारे में। ठीक है, इसमें इसकी पहली हेडिंग जीव और इसका पर्यावरण बताया जा रहा है आपको। इसमें जीव और इसका पर्यावरण का पहला भाग था आपका प्रमुख अजैव घटक, जिसमें आपने तापमान, प्रकाश, जल और मृदा के बारे में पढ़ा। दूसरा इसका टॉपिक था अजीवी कारकों के प्रति अनुक्रिया, जो अजीवी कारण थे उनके प्रति अनुक्रिया के बारे में आपको बताया गया, जिसमें आपने नियमन करना, संरूपण रखना और प्रवास करना, लास्ट में निलंबित करना के बारे में पढ़ा है। आइए देखें इसकी तीसरी टॉपिक जो है अनुकूलन के बारे में, एडाप्टेशन के बारे में समझते हैं। तो ध्यान से समझें, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं अनुकूलन के बारे में। अपने पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों को उपलब्ध अनेक विकल्पों को अपनाते देखा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए जीव जो हैं वे अनेक तरीकों को अपनाते हैं। अपने पर्यावरण की चरम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमने जीवों को उपलब्ध अनेक विकल्पों को अपनाते देखा है, जहां कुछ जीव विशेष कारकी सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विशेष कारकीय सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करने में समर्थ होते हैं, जबकि दूसरे जीव व्यवहारिक अनुक्रिया द्वारा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ जीव जो हैं वे विशेष कारकी सामंजस्य द्वारा अनुक्रिया करते हैं, जबकि दूसरे जीव जो हैं वह व्यवहारिक अनुक्रिया द्वारा करते हैं। ये अनुक्रियाएं वास्तव में उनका अनुकूलन भी हैं। जो अनुक्रियाएं करते हैं वह क्या है, अनुकूलन भी हैं। इसलिए हम अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं कि अनुकूलन जो है यह जीव का कोई ऐसा गुण है, ठीक है, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग्य बनाता है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन जीव का ऐसा गुण होता है जो उसे अपने आवास में जीवित रहने और जनन करने योग्य बनाता है। ठीक है, यह अनुकूलन जो है अकारकीय रूप से हो सकता है, कारकीय रूप से हो सकता है, या फिर व्यवहारिक रूप से हो सकता है। तो यह जीव का कोई ऐसा गुण अर्थात अकारकी, कारकी, व्यवहारिक है, जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है। अनेक अनुकूलन लंबे समय के विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं। ठीक है, तो जो अनुकूलन है उसमें से अनेक अनुकूलन जो हैं वे लंबे समय की विकास यात्रा के बाद विकसित हुए हैं और अनुवांशिकता स्थिर हो गए हैं। ठीक है, विकसित होकर जेनेटिकली रूप से वह स्थिर हो गए हैं। जल के बाह्य स्रोत न होने पर, जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका की मरुस्थल में कंगारू चूहा जो है अपने जल की आवश्यकता की पूर्ति अपने आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण द्वारा करता है। क्यों? क्योंकि जल जो है वह बाह्य स्रोत में उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, जल के बाह्य स्रोत न होने पर उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में कंगारू चूहा अपनी जल की आवश्यकता की पूर्ति अपनी आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से पूरी करने में सक्षम होता है। क्योंकि जब आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण होता है तो उसमें जल जो है एक बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, वाटर जो है उप उत्पाद के रूप में मिलता है, जिसका यूज कंगारू चूहा करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है। कंगारू चूहा में मूत्र को कंसंट्रेट करने की क्षमता भी है, जिससे उत्सर्जित पदार्थों को घटाने के लिए
उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कंगारू चूहा में मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता भी है, जिससे उत्सर्जी पदार्थों को हटाने के लिए जल के न्यूनतम आयतन काम में लाई जाती है। ठीक है, तो यह हो गया मरुस्थल में जीवों के बारे में। अब आइए देखते हैं, अनेक मरुस्थली पौधे कैसे होते हैं मरुस्थल में जहां पानी की कमी होती है। अनेक मरुस्थली पौधे की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा होती है। ठीक है, अनेक मरुस्थली पौधों के पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा अर्थात क्यूटिकल होती है और उनके रंध्र स्टोमेटा गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। तो आप देख रहे हैं कि अनेक जो मरुस्थली पौधे हैं, ठीक है, जल के हानि को कम करने के लिए उनकी पत्तियों के सतह पर मोटी उपत्वचा होती है और उनके रंध्र जो होते हैं वे गड्ढे में स्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की न्यूनतम हानि हो। उनके प्रकाश संश्लेषी CAM मार्ग, ठीक है, उनके प्रकाश संश्लेषी CAM मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण वे अपने रंध्र दिन के समय बंद रखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मरुस्थली पौधों में जो प्रकाश संश्लेषी हैं CAM मार्ग कैम, ठीक है, CAM मार्ग भी विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण वे रंध्र दिन के समय बंद रखते हैं। ठीक है, बंद रख सकते हैं। कुछ मरुस्थली पादप जैसे नागफनी ओपेंसिया कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती हैं बल्कि पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तने द्वारा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ मरुस्थली पादप जैसे कि नागफनी कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती हैं बल्कि ये पत्तियां जो हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जीव पेड़ पौधे जो हैं अनुकूलन कर रहे हैं, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह उस परिस्थिति में जिंदा रहें। ठीक है, तो अनुकूलन की परिभाषा में आपने देखा कि यह जीव का कोई ऐसा गुण है जो उसे अपने आवास में जीवित रहने और जनन करने योग्य बनाता है। वह गुण अकारकी कारकी और व्यवहारिक हो सकता है। ठीक है, जैसे कंगारू चूहा में आपने देखा यह जो है उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है जहां पर पानी की स्रोत नहीं है, वायु स्रोत नहीं है, तो इस यह पानी जो है अपने आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त करता है और इसका मूत्र जो है सांद्रित होता है। ठीक है, जिससे जल की न्यूनतम हानि होती है। मरुस्थल में जो पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनकी पत्तियां पर मोटी उपत्वचा होती है, उनके रंध्र गड्ढे में स्थित होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ट्रांसपायरेशन के द्वारा जल की हानि न्यूनतम हो। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि प्रकाश संश्लेषी मार्ग जो है भी विशेष प्रकार के होते हैं जिसके कारण रंध्र जो है दिन के समय बंद रखते हैं। कुछ मरुस्थली पादपों में नागफनी कैक्टस आदि में पत्तियां नहीं होती बल्कि ये कांटों में बदल जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण जो है चपटे तने के द्वारा होता है। आइए आगे देखते हैं, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। ठीक है, तो जो भी ठंडे जलवायु वाले जगहों पर स्तनधारी पाए जाते हैं उनके कान और पाद आमतौर पर क्या होते हैं, छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। ठीक है, यह एलन का नियम कहलाता है। ध्रुवीय समुद्रों में सील जैसे जलीय स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा, ठीक है, तिम्र वसा
जिसे ब्लबर कहते हैं, की मोटी परत होती है जो ध्रुवी समुद्र में सील होते हैं, जहाँ बर्फ जमा रहता है ध्रुवी समुद्र में। तो ध्रुवी समुद्र में सील जैसे जली स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो उष्मा रोधी का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है और शरीर की उष्मा हानि को कम करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों के कान और पैर क्या होते हैं, पाद क्या होते हैं, आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि न्यूनतम हो। इसे एलन का नियम कहते हैं। ध्रुवी समुद्रों में सील जैसे जलीय स्तनधारियों में उनकी त्वचा के नीचे वसा अर्थात ब्लबर की मोटी परत होती है जो उष्मा रोधी का काम करती है और शरीर की उष्मा हानि को कम करती है। ठीक है, कुछ जीवों के अनुकूलन कारकी होते हैं। कुछ जीवों के अनुकूलन जो है वो कैसे होते हैं, कारकी होते हैं। अभी तक अपने अकारकी के बारे में पढ़ा। कुछ जीवों में अनुकूलन कारकी होते हैं जिसकी वजह से वे दबावपूर्ण परिस्थितियों के प्रति शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जीवों में अनुकूलन कारकी होते हैं और जिसकी वजह से वे दबावपूर्ण परिस्थिति में शीघ्र अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, इसके उदाहरण, जहां पर दबावपूर्ण परिस्थिति में शीघ्र अनुक्रिया होता है और जीव जो है अपने आप को कारकी रूप से अनुकूलित करता है। अगर आपको कभी उच्च तुंगता वाले क्षेत्र, ठीक है, गहरी खाई वाले एरिया, अगर आपको कभी उच्च तुंगता वाले क्षेत्र, देखें ध्यान से, अगर आपको उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में जाने का मौका मिले, ठीक है, जैसे उच्च तुंगता वाले क्षेत्र कैसे हैं, 3500 मीटर से अधिक मनाली के पास रोहतांग दर्रा, तिब्बत में मानसरोवर, ठीक है, तो आपको तुंगता की बीमारी का अवश्य अनुभव किया होगा। ठीक है, तो अगर आप जो है तंग जगहों वाले जगह पे जाएंगे तो वहां पे आपको तुंगता की बीमारी का अनुभव होगा। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? इस बीमारी के लक्षण है मिचली, उल्टी जैसा होगा, थकान, हृदय स्पंदन की वृद्धि। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम होता है। उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण मिचली, थकान और हृदय स्पंदन की वृद्धि हो जाती है, जिसे तुंगता की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तुंगता वाले जगहों में जाने का मौका अगर मिले, जैसे कि 3500 मीटर से अधिक, मनाली के पास रोहतांग दर्रा, तिब्बत में मानसरोवर, तो आपको तुंगता की बीमारी का अवश्य अनुभव होगा। इस बीमारी के लक्षण है मिचली, थकान और हृदय स्पंदन वृद्धि। इसका कारण यह है कि उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडल दाब कम होता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, तुंगता वाले क्षेत्र में वायुमंडल दाब क्या होता है, कम होता है, इसलिए शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। लेकिन धीरे धीरे आप पर्यानुकूलित, एक्लेमेंटाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, शुरू में प्रॉब्लम होगी लेकिन जब आप रुकेंगे वहां पे तो धीरे धीरे आप पर्यानुकूलित हो जाएंगे और आपको तुंगता की बीमारी का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, आपके शरीर में इस समस्या का समाधान कैसे किया? जो तुंगता की बीमारी थी वह आपके शरीर ने उसको कैसे सॉल्व किया? जो ऑक्सीजन की कमी थी उसको कैसे पूरा किया? तो ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, को कैसे पूरा किया जाएगा, शरीर में कैसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लिया जा सकता है,
उसके लिए ऑक्सीजन पकड़ने के लिए बॉडी में आरबीसी होता है, लाल उधिर कणिका। तो अगर लाल उधिर कणिका की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को आरबीसी बाइंड कर सकता है और आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगा, तो आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी। आपका शरीर कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और शोषण दर बढ़ाकर लेता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा शरीर इस समस्या के समाधान के लिए कम ऑक्सीजन उपलब्ध होने की क्षतिपूर्ति लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ाकर, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घटाकर और शोषण दर बढ़ाकर लेता है। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं। हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में अनेक जनजातियां रहती हैं। पता लगाइए कि क्या मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में उन जनजातियों में सामान्यतः लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या या कुल हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन लोगों में आरबीसी हीमोग्लोबिन की मात्रा मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। अधिकांश प्राणियों में उपापचयी अभिक्रियाएं और इसलिए सभी कारकी प्रकार सक्रिय तापमान परास में इष्टतम होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश प्राणियों में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं और इसलिए सभी कारकी प्रकार जो भी फिजियोलॉजिकल वर्क हैं वह एक संकीर्ण तापमान परास में इष्टतम होते हैं। ठीक है, जैसे मानव में यह तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान परास में शरीर में होने वाला मेटाबॉलिक रिएक्शंस और कारकीय प्रकार्य अधिकतम होता है। तो अधिकांश प्राणियों में उपापचयी अभिक्रियाएं और इसलिए सभी कारकीय प्रकार्य संकीर्ण तापमान परास में इष्टतम होते हैं। मानव में यह तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ऐसे सूक्ष्मजीव अर्थात आर्की बैक्टीरिया भी हैं जो तप्त झरनों और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकासों में जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है में खूब फलते फूलते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया हैं सूक्ष्मजीव, वे तप्त झरनों, गर्म झरनों और गहरे समुद्र के उष्ण जलीय निकायों में जहां का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस अधिक है वहां पर भी इनकी संख्या बढ़ती है, खूब फलते फूलते हैं। ठीक है, आगे देखें ध्यान से। अनेक समुद्री अकशेरुकी, ठीक है, अनेक समुद्री अकशेरुकी और मछलियां महासागर की बहुत गहराई में रहती हैं जहां का दाब उस सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अनेक समुद्री अकशेरुकी और मछलियां महासागर की बहुत गहराई में रहती हैं जहां का दाब सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक होता है जो हम पृथ्वी पर अनुभव करते हैं। वे ऐसे जबरदस्त दाब में कैसे रहती हैं और क्या उनमें कोई विशेष एंजाइम होते हैं? ऐसी चरम पर्यावरणीय परिस्थिति में रहने वाले जीव जैव रासायनिक अनुकूलनों का मोहक क्रम विन्यास दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चरम पर्यावरणीय परिस्थिति में रहने वाले जो जीव होते हैं वे जैव रासायनिक अनुकूलनों का मोहक क्रम विन्यास दर्शाते हैं। ठीक है, कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रियाएं दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह आप जो है तीसरा देख रहे हैं व्यवहारिक अनुक्रिया के बारे में।
देखे ध्यान से, कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रिया दर्शाते हैं। स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कारकी योग्यता होती है, स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कारकी योग्यता होती है, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी है। स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए जो कारकी योग्यता होती है, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी होती है, लेकिन वे व्यवहारिक साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफी स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मरुस्थल की जो छिपकलियां हैं उनमें तापमान से निपटने के लिए कारकी योग्यता नहीं है कि कमी है, तो वह मरुस्थल की छिपकलियां व्यवहारिक साधन द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफी स्थिर बनाए रखती हैं। इसके लिए वो क्या करती हैं? जब उनका तापमान सुविधा स्तर के नीचे चला जाता है तब वे धूप सेक कर, तब वो धूप में आ जाती हैं, तब वे धूप सेक कर उष्मा अवशोषित करती हैं। लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जीव अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन का सामना करने के लिए व्यवहारिक अनुक्रिया दर्शाते हैं। स्तनधारियों में अपने आवास के उच्च तापमान से निपटने के लिए कुछ कारकी योग्यता होती है, मरुस्थल की छिपकलियों में इस योग्यता की कमी होती है, लेकिन वे व्यवहारिक साधनों द्वारा अपने शरीर के तापमान को काफी स्थिर बनाए रखती है। इसके लिए जब उनका तापमान सुविधा स्तर से नीचे चला जाता है तब वे धूप सेक कर, ठीक है, धूप में आकर उष्मा अवशोषित करती हैं, लेकिन जब परिवेश का तापमान बढ़ने लगता है तब वे छाया में चली जाती हैं। ठीक है, कुछ जातियों में भूमि के ऊपर की उष्मा से बचने के लिए, कुछ जातियों में भूमि से ऊपर की उष्मा को बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदने की क्षमता होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ जातियों में भूमि से ऊपर की उष्मा से बचने के लिए मिट्टी में बिल खोदने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यह सारी चीजें जो आपको बताई गई यह सब अनुकूलन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से चैप्टर 13 का पहला हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 13 की दूसरी हेडिंग स्टार्ट करेंगे, समिष्टियां के बारे में, पॉपुलेशंस के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।